ये बच्चों के लिए लेकर आए थे। कौन कहा? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? आशा करते सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज तो बारिश हो गई सुबह सुबह, और देखिए पूरा गीला गीला हो गया। और सबसे बुरी हालत तो हमारी हो गई, लेकिन थोड़ा हमारा बिगड़ गया है, जो कि हमको पता नहीं चल पाया। रात में सो रहे थे और इधर ना पूरा हमारा गद्दा भीग गया है। ये वाला, ये देखो पूरा गद्दा भीग गया। और इसका ये कमर भीगता रहा पहले, इसलिए पता नहीं चला। यहाँ से पानी गिर रहा है टीन से हमारा, ये आप देख सकते हो। ये वाला, अभी थोड़ी बारिश रुक गई है और सोनी आज दाल बना रही है, मूंग मसूर की है सोनी। तो देखो आज पूरा चारों तरफ गीला गीला हो रहा है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन थोड़ा। और इधर सोनी अभी बना रही है मूंग मसूर की दाल। आज बाहर चूल्हा तो हमारा गीला हो गया है, आज गैस पे ही बना रहे हैं। देखिए हमारा चूल्हा पूरा गीला हो गया, रात में इसका ध्यान ही नहीं दे पाए हम। मैं सोच रहा था मैंने कुछ बाहर गीला ना हो रहा हो, ये तो हमने ढक दिया था फर्श जो हमारा था, ये त्रिपाल लगा दी इसके ऊपर, लेकिन वो गीला हो गया। और सोनी को पता था कि बारिश तो होगी, इसीलिए इनर वगैरह तो ला के रख दिया था रात में ही, लेकिन इसका बिल्कुल भूल गए थे। और गद्दा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अभी इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अभी ये पानी यहाँ से गिर रहा है, दो तीन जगह हो रहा है, इधर भी गीला हो रहा है, लेकिन यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है। पहले वहां पर भी था, वहां से पानी टपकता था। किधर से टपकता था? उधर से। हाँ, पहले उधर से। सब दिन निकल जाए, कोई बात नहीं, उधर का तो हमने रोक दिया। अभी देखिए दोस्तों, सोनी ने रोटी बना ली, दाल बन गई, और बच्चे बैठ के आराम से खा रहे हैं। हाँ, कैसी दाल बनी है? एकदम मस्त। तो क्या कर रहा है? प्याज छील रहा है, साथ में प्याज खाएगा। और बाहर देखिए कितनी बढ़िया जोरदार बारिश हो रही है, और अभी पानी भी ज्यादा गिरने लगा, क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही है तो ज्यादा पानी गिर रहा है पूरा यहाँ से यहाँ। और सोनी जी, कैसा लग रहा है? तो आज बारिश हो रही है हल्की हल्की, कैसा होना लग रहा है? दिमाग खराब कर रहा है। अच्छी बारिश तो जरूरी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खाना खा लो और आराम से यहीं पे पढ़ने बैठ जाना। आज स्कूल नहीं जा पाएंगे बच्चे, लेकिन ये दिक्कत हो गई। ये देखिए प्याज काट के रख ली है, तो दाल मूंग मसूर की बहुत बढ़िया आनंद आ रहे हैं दोस्तों। अभी ठंडी तो लग रही थी, लेकिन नाली है, और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज हमको भी कुछ करना पड़ेगा, बारिश जम गई है तो इसका कोई पता नहीं, शाम तक भी हो सकती है। और इधर अभी सोनी खाना खा रही है। हाय सोनी, आप लोग खा लीजिए, आप लोग खा लीजिए। और इधर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने बैठ गए अच्छे बच्चे। और ये देखो अभी बड़ा वाला बर्तन रख दिया है, लेकिन वो पूरा दीवाल देखो गीला हो गया, चिटे चिटे के, तो यहाँ तक जा रहा है, पूरा यहाँ तक पानी जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना करना पड़ेगा, देखो दो जगह से पानी अब गिर रहा है, तो इसका इंतजाम अभी मेरे को करना है। अभी हमारे पापा ने जुगाड़ ढूंढ ली है पानी रोकने की, इसमें सारा पानी आएगा, उसको कटोरे में भरकर फेंक देंगे। दोस्तों अभी गद्दा हमारा बच जाएगा, पानी आएगा सब इसी में इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद में बर्तन में निकाल के बाहर फेंक दिया करेंगे। ऐसे ही बरसात के मौसम में टाइम निकाला था, ऐसे ही अभी कर दिया व्यवस्था। चलो जो है अच्छा। दोस्तों वो तो काफ़ी बारिश रही है, लेकिन क्या करें, जो हमारे कुछ आने वाले हैं वो बहुत दूर से पैसा आया है अमेरिका से, उन्होंने बच्चों के लिए साइकिल के लिए और कुछ खर्चे किताब कॉपियों के लिए बच्चों के लिए पैसा डाला है। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक में और चलते हैं, अगर निकल जाए तो। पैसे 6-7 दिन से घूम रहा हूँ, और क्योंकि ये बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं। अभी मार्केट में आ चुके हैं और ये बैंक के पास आ चुके हैं, ये बैंक ऑफ बड़ोदरा है इधर धौलपुर में, उधर सेंट्रल बैंक है। तो अभी दोनों बैंक का लोकेशन दिखा रहा है, आप देखिए डिस्प्ले पे, और दोनों बैंक वाले मना बोल रहे हैं। वो बैंक ऑफ बड़ोदरा वाला बोलते हैं कि हमने तो बंद कर दिया, और ये बोलते हैं कि ये सुविधा है ही नहीं इधर, क्या करें, बड़ी दिक्कत। मैं सभी बैंकों में घूम लिया धौलपुर में, जहाँ जहाँ पे लोकेशन दिखा रहा था,
लेकिन नहीं, सभी मना बोल देते हैं, नहीं हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। अभी मैं बैंक में आ गया, ऑर्डर देखो वेस्टर्न यूनियन लिखा हुआ है, पैसा निकालने के लिए सुविधा है। अभी अंदर चल, तो फाइनली आज हमारा पैसा निकला है। 8 दिन हो गए, 8 दिन में 3-4 बार चक्कर लगाई, लेकिन आज पता नहीं कैसे इनके मन में आ गई, आज बैठ गए कंप्यूटर पे और आज फाइनली पैसा निकाल दिया। और जितना नहीं वो, और उसी पैसे में से मैं लेकर आया था केले, तो मेरे को ये दिखे यहाँ पे। तो आज मंडी, अभी हम आए थे मंडी में, आज बारिश हो रही है, थोड़ी सी रुकी तो मंडी में, आज पूरी मंडी भी पूरी खाली पड़ी है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी हमने सब्जी ले ली, अभी चल रहे हैं घर के लिए। अभी मैं ले रहा हूँ गजक, घर में सभी बच्चों को और भाइयों को। तो अभी आए हैं मंदिर पर, और इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो प्रसाद और वगैरह है ना, इसमें हमारा कुछ नहीं है, जहाँ से आया है जिन्होंने भेजा है उसी में से जो निकला है वही है। तो सोनी की इच्छा थी पहले मंदिर पर चलेंगे, अभी देखो सोनी के हाथ में भी कितना सारा है। जो हम पे जैसो हमको अच्छा लगा, जैसा हमने करने की कोशिश की, और हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो है जिन्होंने दिया सब उन्हीं का, उन्हीं को क्रेडिट जाता है इस सब का। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी श्रद्धा थी जो हमने इतनी कर दी, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। और अभी बारिश आने वाली है, मैं सोच रहा था मैंने आज ही पूरा ब्लॉग कर दूं, बारिश बार बार पे आ जाती है, थोड़ी देर की रुकती है और फिर से होने लगती है। हाँ यही दिक्कत हो रही है। अभी हम घर कपड़े तो भीग गए, ये मेरा पैंट वगैरह सब भीग रहा है। अभी हम घर पे चलते हैं दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं घर पे, और काफ़ी गीला गीला हो गया पूरा रोड, थोड़ी देर बारिश रुक गई है तो इतने टाइम में घर के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो फिर से आ गई बारिश तो फिर भीग जाएंगे। अलग होंगे मिर्चा, ये बच्चों के लिए लेकर आए थे, तो अभी देखो वह कैसे कर रहे हैं। कहीं कह रहा है हिमांशु, कहीं कह रहा है हिमांशु की सुनो, कौन कहा चपटी लेगा, पांच ही ताई के, ताई के पांच ही था, पर पांच ही ताई के आसा कटोरी रखे थे, कटोरी में देखो हमारी मम्मी कितना काम कर रही है, देखो हार बना रही है, दूल्हे का हार ये लगी है, फैक्ट्री खुली है हमारे घर, फैक्ट्री हमारे पापा जी ने नया काम डाल दिया है। तो हाँ अल्लाह छीलो छीलो छीलो, जैसे केला छील जाके केला खा रहे हैं दोस्तों। अभी हम घर पे आ गए अपने पे, और गजक भी देखो सब खुश हो गए, सबको दे दिया, अभी थोड़ा सा रह गया है, हम लोग खा लेंगे। ये डॉगी का बिस्किट रह गया, अभी कहीं डॉगी आएगा तो खिला देंगे। चलो जो हो गया वो अच्छा हो गया, और अब कल क्या है कि कल मंगलवार है तो बाजार रहेगा बंद, इसीलिए हम कल तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बुधवार को। तो ये होगी इसकी साइकिल लेकर आए, देखो अभी से कैसे कर रहा है, हाँ उसको एक दिन बढ़ गया ना इसीलिए कर रहा है, वो बोल रहा है अभी लेके आओ, लेकिन बारिश तो बार बार आ जाती है बारिश की वजह से, और कल रहेगा मार्केट बंद। और इस पैसे का हम क्या क्या करेंगे वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा देखने को, पूरी वीडियो ब्लॉग बनाएंगे। सोनी क्या क्या लेकर आई है, सब्जी ले आई, हरी मिर्च, धनिया हरी मिर्ची वगैरह, और मटर लेकर आई है, और मूंगफली लेकर आई, देखो 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 मूंगफली लेकर आई आधी किलो, और ये केला टमाटर कितने बढ़िया बढ़िया लेकर आई है, 1 किलो टमाटर लेकर आई। तो अभी देखिए बारिश तो रुक गई लेकिन मौसम ठंडा है और काफ़ी ठंडी पड़ रही है, और सोनी ने इधर अभी देखिए रोटी बनाना चालू कर दिया, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इस समय अभी 6:15 बज रहा है, सुबह का खाना खा रहे हैं। और ये दाल जो है सुबह बनाई थी सोनी ने, मूंग मसूर की, तो दाल है और रोटी बना दी ताजी, आज सोमवार था तो मेरा व्रत था इसलिए अभी मैं इस टाइम खाना, तो आप भी खाना खा लीजिए मूंग मसूर की दाल के साथ। तो मैं तो अभी खाता हूँ, मेरे को काफ़ी भूख भी लगी है अभी।
दोस्त अभी देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तो खाना पीना खा के हम सब लोग फ्री हो गए और बारिश भी बंद हो गई लेकिन ठंडी है, तो हमारी जुगाड़ काम कर गई, अभी पानी नहीं गिरा इतना। अभी देखिए सोनी मोबाइल में लगी हुई है, बंद करे आवाज, आवाज बंद कर दे, कॉपी राइट आ जाओ। हाँ अभी आराम कर रहे हैं, खाना पीना खा लिया आज, जल्दी खाना खा लिया है। हाँ जल्दी खा लिया है आज, और ये जो पैसा आया ना उसका हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे कि उसका क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ वो पैसा जाएगा और कितना पैसा आया है और किसने भेजा है, ये सब जानकारी देंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, हाँ क्योंकि ये वीडियो कल या परसों जल्द से जल्द आ जाएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।